डिफरेंट पार्ट्स को लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट डे लिया था अपर बॉडी, उसके बाद लिया लोअर बॉडी, उसके बाद लिया हमने बेली फैट को। तो फर्स्ट टू एक्सरसाइज बॉडी को वार्म अप करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं अगर आपकी बॉडी टू इंटरैक्टिव है तो फर्स्ट डे लीजिएगा लास्ट सेट, लेकिन अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो हम इसी चीज को चेयर योगा में अगर आप करना चाहती है तो आप चेयर पर भी कर सकते हैं आप। हाँ ममता जी गुड मॉर्निंग, करते रहिए आप हमारे साथ, बिल्कुल करिए जी, कीजिए आपको अच्छा लगेगा। तो दोनों चीजें मैं बता रही हूँ, जो लोग 40 प्लस 50 प्लस है सेम एक्सरसाइज चेयर पर कैसे करते हैं। हाँ नेहा जी आप स्लोली करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार और 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, 20 सेकेंड का रेस्ट, फिर उसके बाद चेयर पर बैठे बैठे ये यहाँ से ये देखिए पैर को तोड़ेंगे, स्टैंडिंग भी ले लीजिए, हाई नी जॉप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 1 2 धीरे से तो एक ही पैर से करो, एक ही तरफ से 1 2 देख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इस पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार और अप करेंगे हम, ध्यान से देखिए इवन जिनकी, एक मिनट बताऊं मैं, इवन जिनकी नी की सर्जरी भी हो जाती है उसको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि हिलाओ चलाओ पैर को, तो वो भी आराम से चेयर पे बैठ के। हाँ सीमा गुप्ता जी आपके लिए, जैसे आपने स्टैंडिंग ज्यादा नहीं करना है तो 1 और बेली फैट कम करना है, वॉकिंग के लिए घुटने साथ नहीं देते हैं तो आपने 1 2 3 तो कौन कहता है कि भाई अगर हमारे पैर काम नहीं करते तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बैठ के बाद ऐसे हाथ से पकड़कर बस होल्ड कीजिए 1 2 और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट चला लीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हिला सकते हो आराम से, कोई बैलेंस तो नहीं खराब हो रहा। जिनका बैलेंस खराब होता है वो वॉल का सहारा लेकर ऐसे करें, देख लूं मैं एक बार आ रहा कि नहीं वीडियो में, देख लूं जरा। हाँ देख लीजिए आप, आपको कैसे भूल सकते हैं, थैंक यू जी थैंक यू। हाँ अभी मैं सामने थी इसलिए मैं मैसेज पढ़ नहीं पाई बीच में लोगों के। हिना जी गुड मॉर्निंग, सीमा जी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग कनेक्टेड हैं हमसे। तो उसके बाद दो वार्म अप एक्सरसाइज के बाद नीज की स्ट्रेंथ के लिए बढ़ती उम्र में इस प्रकार होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे नी हग्स। ये मैं चेयर योगा भी बता देती हूँ मैम, हिप फैट एक्सरसाइज बताएं, बिल्कुल बताते हैं, ये हिप फैट के लिए भी 100% काम करेगी। क्या अगर आपका थाई का एरिया बहुत ज्यादा है तो आप चेयर पे बैठ के करेंगे, ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेंथ पास को हिप फैट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है, बिल्कुल ही पैर साथ नहीं देते तो आप चेयर पे करेंगे, अदरवाइज शालू जी की तरह करेंगे। अगर बीच में आप ना आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है तो आप इसका सहारा लेकर 1 2 3 4 शालू एक बार कैमरा लाना, ध्यान से मुझे देख लीजिए क्योंकि हमारा चैनल जो ज्यादातर लोग हैं वो 40 प्लस और 50 प्लस लोग देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वजन 80-90 किलो है, वो लोग बैठे बैठे
50 फुट में पेन है तो आप चलाएंगे। अब ये जो थाई उठी हुई है इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, 1 2। चेयर पे बैठे बैठे इतना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, फिर नी हक से ऐसे भी दबा सकते हैं क्योंकि नीज में पेन है, तो आप 1 2 3 4 10 दिन तक इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के बाद आप क्या करेंगे, सहारा लेंगे आराम से बिल्कुल, ठीक है। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये 1 2 पीछे से सहारा लीजिए, नहीं तो बैलेंस खराब हो जाएगा तो आपके घुटने में क्रैम आ सकता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 1 2 3 4 5। ये तीनों एक्सरसाइज एक साथ करेंगे, ध्यान रखिए। पहले हमने ये पकड़ा, ठीक है, फिर हमने चेयर पे बैठे, फिर हम अपना आराम से निहक 1 2 3 4 5। एक इन्होंने जो पूछा है हिप फैट, हाँ जी मैम, मैम हिप फैट की एक्सरसाइज बताएं, फैटी लीवर के लिए। लेकिन जिनको नीज में पेन है थोड़ा सा ध्यान से, सबसे पहले तो हिप की टोनिंग करना जरूरत है। ये जो बिल्कुल ही ऐसे बाहर को जाते हैं, आपका अगर बैठने का खड़े होने का पोस्चर गलत है तो आपकी पोज ऐसे हो जाएगा, ये हिप बाहर को निकल जाएगा। तो सबसे पहले सीधे खड़े होने के लिए अपनी कमर को थोड़ा सा अंदर करते हुए क्या करेंगे, 1 2। अब इससे आपके हिप कैसे नहीं जाएंगे अंदर, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आप रात को खाना ही 10 बजे खा रहे हो, माशाल्लाह खड़े हो गए, अगर आप खाना ही आपको 10 बजे खा रहे हो तो क्या जिम्मेवारी है, कुछ भी नहीं, जो खाया वही पेट पे और हिप्स पे जमेगा। तो उसके लिए पहले क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5। नेहा जी आप ऐसे सहारा लेकर करेंगे, बिना सहारे के नहीं करेंगे, आज आपका फर्स्ट सेशन है। 1 2 इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता जिसमें आपका थाई फैट, हिप फैट और सारी बॉडी की स्ट्रेचिंग इंप्रूव होगी। दूसरी तरफ से करने के लिए आप ध्यान रखें, थोड़ा सा भी अगर आपका वजन ज़्यादा है, 80 किलो के हैं, तो आप इसका सहारा लेंगे पहले 1 2। कमर के पोस्चर को सही रखेंगे, इसको आगे की तरफ करेंगे, कंधे पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे क्या करेंगे, अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो इसको पकड़े रहेंगे, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ध्यान रखें, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा ना, इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपको 7:30 बजे के बाद नमक नहीं लेना, नो सॉल्ट, तब इस एक्सरसाइज का असर होगा। एक और एक्सरसाइज बता दूं, हिप फैट और लेग फैट के लिए क्या करना है, ये हमारा होता है अर्धचंद्रासन। हेलो सीमा जी, मैम नेक स्टिफनेस के लिए कुछ बताएं। नेक स्टिफनेस के लिए भी बताते हैं, पहले कंप्लीट कर दो हिप के लिए। उसमें हमने क्या करना है, इसमें भी वही बात है, जिनका बैलेंस नहीं बनता साइड से सहारा लेंगे, अदरवाइज ये एक्सरसाइज होती है। 1 जब पैर बिल्कुल सीधा हो जाए, पूरी स्ट्रेंथ आ जाए, फिर 2 वापस आ जाएगी, राइट। फिर से देख लीजिए, 1 2। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए, और एक ही एक्सरसाइज में टाइम लगता है, लेकिन अभी हमने और भी कुछ करना है तो अभी हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे पेट को अंदर करते हुए, पेट में जो फुलावट आ जाती है, ब्लोटिंग होती है, तो उसके लिए क्या करना है, 1 2। फिर दूसरे पैर से 3 4। मैम रेनू जी, ये फर्क आपको खुद पता चलेगा, आप एक बार मिलिए हमसे, नहीं तो फेसबुक है, हाँ नहीं तो फेसबुक पे सुबह आते हैं, वो लाइव आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्वाइन नहीं भी करना तो मैम कह रहे हैं कि अगर फेसबुक पे आप लाइव हो तो फिर आपके और इधर में क्या फर्क है, वो आएंगे तो पता लगेगा। नहीं मैम, मुंबई में कोई नहीं है, 1 and only ऑल ओवर इन वर्ल्ड, ये भी इन दिल्ली ओनली। जिनको नी में पेन है उनके लिए एक्सरसाइज बना है, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज
एक्सरसाइज चलेगी, उनके लिए चलेगी। लेकिन अगर आपको बॉडी पेन्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्क्वाट्स के साथ 1 2। मैम अर्शदीप जी कह रही हैं फैटी लीवर के लिए कुछ बताएं। मैम बिल्कुल बताएंगे, आप पहले यहाँ पर फोकस कीजिए, जो एक्सरसाइज कराई जा रही है इसमें उसी का सोल्यूशन भी है। भी काम करेगी, लेकिन लेटने वाली एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ मैं, ये फैटी लीवर में भी काम करेगी बिल्कुल। लेकिन उसकी क्षमता के लिए रोज सुबह शाम, हम भी तो कनेक्टेड है फेसबुक से यूट्यूब से, तो फ्री में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे कहो 1 2, क्योंकि पूरी चीज शेयर नहीं की जा रही, 10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। खाया महीनों सालों में एक एक्सरसाइज फैटी लीवर के लिए भी बता दूं, कैमरा ठीक कर दी जरा मैं। तो ये जो भी पूछ रहे हैं हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स, तो वो जब ज्वाइन करेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि शुरू के सेशन के शुरू में भी बहुत कुछ हो जाता है। यूट्यूब पे तो 10-12 मिनट का ही कॉल किया जाता है, तो उसके लिए फैटी लीवर के लिए बता दें। बिल्कुल संगीता जी सर्वाइकल के लिए भी बिल्कुल बताएंगे। गुड मॉर्निंग राधिका जी, पहले फैटी लीवर के लिए बता दें। ठीक है नेहा जी, देख रहे हैं आप, आराम से बैठ जाइए नेहा जी। अगर नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप बेड पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, मैम रेनू बंसल जी कह रही हैं कि मेरा 3 महीने में 5 किलो वजन कम कर लिया। मैम हमारी एक्सरसाइज देख के तो थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। वेरी गुड, और अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो मैम हमें ऐसे ही फॉलो करते रहिए। 5 kg रिड्यूस किया है भाई, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब फॉलोअर्स लिख रहे हैं कि 5 kg बहुत अच्छा, हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप हमें यूं मोटिवेट करने के लिए मैसेज करते रहिए, हम आपके लिए न्यू वर्कआउट लाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं फैटी लीवर की। सबसे पहले सीधे बैठकर ये तो दंडासन होता है हमारा, जिसमें आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसे। फिर उसके बाद हल्का सा पीछे लेकर 1 2। फैटी लीवर किडनी हो चाहे इंटेस्टाइन हो, अगर आपकी चर्बी यहाँ 10 किलो जमा हो गई तो बस आगे मैं नहीं बोलती, काम खराब हो रहा है, बस मैं यही बता दूँ। तो उसके लिए जो शुरुआत है वो होगी 1 2। थैंक यू संगीता जी, संगीता जी का भी 2 किलो वजन कम हो गया। मैम ऐसे ही हमारे साथ चलते रहिए। 7, 8, 9, 10 बार करने के बाद ये रिलैक्स करना जरूरी है। हम क्या गलती करते हैं एक्सरसाइज के बाद फिर रेस्ट नहीं लेते, उन मसल्स को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। पूरा सांस लीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज फैटी लीवर के लिए कहो, लोअर बैली फैट के लिए कहो, आराम से जिसको बैक पेन वाले भी आराम से कर सकते हैं। ये क्या बोनी लगाई, नेहा जी आपके पॉइंट में प्रॉब्लम है, ये आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4। हाँ नेहा जी थोड़ा सा और लेट जाइए पीछे की ओर। 5 7 8 9। मैम पूनम शर्मा जी कह रही हैं इंच तो माशाल्लाह स्वीट 16 हो गया है मेरा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच मैम आपको, जो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें सुन के कि इंच लॉस माशाल्लाह। पूनम शर्मा जी का और भी मैसेज आता है तो धन्यवाद, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद मेन हमारा देखो योगासन, नेहा अभी आप नहीं लगाओगे क्योंकि ये मुश्किल है। फैटी लीवर क्या, पेट की 50 बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन नेक पेन वाले ज्यादा नहीं लगा सकते, होता है उत्तान वाला सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी में फैटी लीवर के लिए और बेली फैट के लिए अर्धहलासन, क्योंकि अभी मैं सबके लिए नहीं बता रही, हलासन में तो बिल्कुल पीछे जाते हैं, ये हमारा अर्धहलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसी में कोई पीसी होने की, कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, पैरों को मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आराम से धीरे से, अगर बैक पेन नहीं है, बहुत अच्छा पोज है पूरी बॉडी की टोनिंग के लिए, फुल बॉडी वर्कआउट। फिर नीचे आए मैम, इसमें अपर बेली फैट भी कवर हो रहा है मधु जी, बिल्कुल
पर इसके लिए आपको शुरू से वार्म अप के साथ ये सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच मधु जी। मैम हमारी एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव हैं, मैम आप देखने वाले भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। चलिए दो एक्सरसाइज और करके दिखाओ, उत्तान पादासन और अर्धहलासन। फिर से बेली फैट के लिए वेरी गुड। हाँ नेहा जी अभी आप सिर्फ बैठ के देखोगे और नहीं करोगे, फर्स्ट डे है ना आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं। लेकिन कैसा लग रहा है आपको नेहा, अच्छा लग रहा है? हाँ तो आप देखते रहिए, देखने से आपको बहुत कुछ पता लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनके पैर में काफी प्रॉब्लम है लेकिन आज भी हमने उनसे कहा कि 15 मिनट ले लीजिए तो वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है बस। तो उत्तान पादासन के लिए शालू जी पहले एक पैर को करके बताइए, जो फैटी लीवर के लिए। सिर्फ एक पैर, मान धीरे से बस। नो गीता, हाथ साइड में रखो बस। हाँ फिर से उठाइए। किरण जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, देखते रहिए आप। संगीता जी एसिडिटी बहुत होती है इसलिए क्या खाना चाहिए एसिडिटी ना हो। वैसे संगीता जी ये बेस्ट 9 दिन मिले हैं हमें, आपने कहा जो एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट में भारीपन होता है, उनका बेस्ट ट्रीटमेंट है पेट को खाली छोड़ देना। तो आज अवसर मिला है, आज फर्स्ट नवरात्रा है, आप सिर्फ फ्रूट डाइट लोगे। मैं भी फ्रूट डाइट लूंगी, अभी मैंने पिया है नारियल पानी, फिर मैं लूंगी एक गिलास छाछ या एप्पल स्मूदी, पूरा पेट भर जाएगा। शाम को चाय और रात को बादाम का दूध, अगर आप ये ले सकते हैं तो ले लीजिए। 9 दिन हमें अपने पास आने का मौका मिला है। तो अगर आप नवरात्रों में कुट्टू वगैरह खाते हैं उससे तो और ज़्यादा एसिडिटी बनेगी, तो आप कोशिश कीजिए रॉ फूड खाइए। पहले टाइम पे खाना खाओ और थोड़ा, ठीक है आप ये जो मैं बता रही हूँ लिक्विड डाइट और फ्रूट डाइट पे रहिए आपका, और थोड़ा पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लगाइए उत्तान पादासन दोनों पैरों को एक साथ। अगर आपको नेक में पेन नहीं है तो आप गर्दन उठाएंगे, अदरवाइज गर्दन को नीचे रखो शालू जी, आप सिर्फ ऐसे उठाएंगे राइट। फिर इसी के साथ हम आनंद बालासन भी कर सकते हैं पेट के पाचन तंत्र को सुधार करने के लिए। हाँ अंगूठे को पकड़ो और दोनों तरफ साइड बाय साइड चलाओ शालू, थोड़ा सा खड़ा करके हल्का सा सीधा बस। अब चलाइए, ये भी आसन बहुत बढ़िया है। तो डिफरेंट एक्सरसाइज का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक खाली योगा से बात नहीं बनने वाली। लोग 8-10 आसन को ही योगा समझते हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल से अच्छी तरह कनेक्टेड हैं तो आपको पता चलेगा, जितना मर्जी आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन शालू अरोड़ा जो आप कह रहे हो L4-L5 का डॉक्टर ने सर्जरी बता दी है, तो 1 महीना आप ज्वाइन करके देखिए, देखिए अगर सर्जरी टल सकती है तो इसमें नुकसान क्या है। तो आप एक बार हमारा शालू अरोड़ा जी ज्वाइन कीजिए, आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक बार शरीर जो खुल गया वापस वैसे नहीं जुड़ेगा। अब पैरों को सीधा करके होल्ड कीजिए बस, रोके रहिए। तो हमारी ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, अगर आप पूरा नहीं भी कर पा रहे तो भी कुछ ना कुछ फायदा ज़रूर होगा। लेकिन आपकी नी की सर्जरी के लिए देखो एक एक्सरसाइज से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करूंगी। अभी न्यू एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ आपको, धीरे से वापस आओ शालू। शवासन जो हम अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं और ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप जितना मर्जी सर्च कर लो, जितना भी आप ये स्लिप डिस्क और ये L4-L5 के लिए, ये सब हमारी अपना अनुभव है जिसके रिजल्ट इतने ज़्यादा हैं कि लोगों ने काफ़ी हमारे पेज पर शेयर किए हैं अपने रिजल्ट्स, जिनका 3-3 दिन में बैक पेन ठीक हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड के साथ लेफ्ट पैर को हल्का सा निकाल दीजिए बस। ये देख रहे हैं आप, मैं ज़रा ऊपर से दिखा देती हूँ आपको, अगर ये एक्सरसाइज भी आपने कर ली, कोलाइटिस अल्सर में ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्या, प्लीज़ टेल मी। अल्सर कोलाइटिस की रेनू जी कुछ अलग होती है, वो फिर कभी बताऊंगी, अभी हम किसी और सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, अभी पहले इनको L4-L5 का जवाब दे दें। तो वापस आइए दूसरी तरफ से, ये है हमारी जिन्होंने कहा है L4-L5। मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या हमारी टीम से इंटरेक्शन के लिए टाइम ले लीजिए।
हम आपको बिल्कुल पर्सनली टाइम देंगे 5 मिनट का, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम की पूरी हिस्ट्री हमें बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टीम का नंबर, आप हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू आदिया जी, थैंक यू। खाना खाने के कितनी देर बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? कम से कम 3 घंटे। और सबसे बड़ी बात जो आद्या जी आपने पूछा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है वैसे कि आपने लंच की कैलोरीज को कितना खाया है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करके बैठे हैं तो हमारे पेट में कम से कम 6 से 7 घंटे फूड रहता है। लेकिन अगर आपने सिंपल एक चपाती, ग्रीन वेजिटेबल, थोड़ी सी सैलड और थोड़ी सी कोई एक सब्जी ली है, तो उसको खाने के बाद आपका फिर भी 3 से 4 घंटे गैप ज़रूरी है। लेकिन जैसे पीछे श्राद्ध चल रहे थे, आपने बहुत हैवी खाया हुआ है, आलू की सब्जी, पूड़ी, हलवा, तो कम से कम हमारे पेट में वो 8 से 10 घंटे डाइट काम करती है, राइट? पिंडलियों में दर्द रहता है, कुछ बताएं। रविंदर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पिंडलियों में दर्द रहता है, लेकिन इसके लिए मुझे पता होना चाहिए आपकी एज क्या है और आप घुटनों से पीछे बैठ पा रहे हो या नहीं। उसके लिए भी मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, उठ के बैठूँ शालू जी, किसी ने पूछा है पिंडलियों में दर्द रहता है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने ये टैप करना है, टैपिंग एक्सरसाइज, राइट? गीता जी इधर निकल के आओ, शालू थोड़ा सा इधर चलो। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आप ध्यान से सुनिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। अभी आदि कुछ के लिए कल के लिए भी छोड़ दो, है ना, कल भी मिलेंगे इस टाइम, लेकिन पिंडलियों का हम कंप्लीट कर दें क्योंकि हमने भी अपना भी कुछ कोर्स करना है, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैर को हल्का सा मोड़ा और धीरे धीरे देखिए दूसरी तरफ होते हुए और इस हाथ को बिल्कुल सीधा। तो सबसे प्राइमरी स्टेज, अब ये जो बॉडी का वेट आया हुआ है, ये पिंडलियां और आपकी थाइस दोनों पर आया हुआ है, सिर्फ इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। जिन्होंने पूछा है काफ्स मसल्स में पेन है या पिंडलियों में पेन है, रिलैक्स, आपकी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है। थैंक यू जी, आप इसी तरह जुड़े रहिए, आप देखते रहिए। देखिए, हम मेरा जब तक जीवन है तब तक मैं आती रहूँगी, तब तक हम रोकेंगे नहीं, भले ही आप जूम ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो जिसकी ज़रूरत है वो आएगा। बिल्कुल इस पोस्चर को होल्ड करें जिन्होंने पिंडलियों में दर्द कहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा, जैसे हमारा सुप्त पवन मुक्तासन होता है, ऐसे ही हमारा पवन मुक्तासन होता है। एक इसको 1, 2, 3, 4, 5। मैम आप बहुत प्यारे हो, आपकी एक्सरसाइज से बहुत लाभ होता है। थैंक यू जी, थैंक यू आद्या जी, आप करते रहिए, थैंक यू जी। फिर इसको हम पिंडलियों के दर्द के लिए क्या करेंगे, 1, 2, हल्का हल्का स्लोली पूरे पैर में और थाइज में खिंचाव होना चाहिए ये, और इसको थोड़ा सा और गैप बढ़ा दीजिए तो पिंडलियों में भी बस। फिर दोनों हाथों को ऊपर लाइए और धीरे से क्या करना है आपने, दोनों चीज़ें एक साइड में, अब आपके पिंडली क्या, ये हाथ बिल्कुल सीधा रखो शालू जी। एक बार मैं बता दूँ, ये बच्चों का जरा सा हाथ टेढ़ा हो गया, बैठ लो, तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये हमारे पैर बिल्कुल सीधे, ठीक है? अगर पेन है तो कोई बार 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 तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जब 10-15 दिन बिल्कुल पैर ये प्रैक्टिस में आ जाए, फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज ये, फिर तीसरी एक्सरसाइज इसी में हाथों को नीचे लगा के, इससे भी हमारी पिंडली को, एडी को, पंजे को, फुट पेन, क्योंकि जिनका भारी शरीर है उनके होगा ही होगा तलवों में दर्द। कई बार लेडीज की प्रॉब्लम होती है कि बेड से नीचे पैर रखते ही प्रॉब्लम आती है, उनके लिए भी बहुत धीरे धीरे 1, 2। जब तक अपनी बॉडी को एंजॉय करना नहीं सीखोगे, जब तक जबरदस्ती समझोगे एक्सरसाइज को, तब तक बात नहीं बनेगी। हम एक्सरसाइज को बहुत भार समझते हैं और कितने बज गए पता भी नहीं चल रहा कि टाइम का कहां भागता है ये टाइम। फिर हम दूसरे पैर से ये, फिर हो सकता है आप में इतनी पावर ना हो, लेकिन 1, 2, अब इसमें पूरे पैर में खिंचा हो रहा है, कैसे नहीं ताकत आएगी, कैसे नहीं इसका वजन कम होगा, क्योंकि सारा दिन तो हम ऐसे बैठते हैं सोफे पे, पैर फैलाए, पैर लटकाए, लेकिन अब हमने ब्लड का सर्कुलेशन किसमें कर दिया, तो ये एक्सरसाइज आपको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम में भी ज्यादा सपोर्ट देना चाहते हैं, आप यहाँ से सपोर्ट दे दीजिए अपने पैर को, 1, 2, और ये पंजा अंदर की साइड रखिए, 3, 4, 5, 6, 7, इस घुटने को ऐसे हल्का सा, 8, 9, 10,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। फिर इस पैर को क्या करना है, यहीं से जो मैं अभी बता रही थी कि इस एक्सरसाइज को मैं बताती हूँ, इसको आराम से देखो, अगर हम ऐसे बैठे टेढ़े तो मजा नहीं आएगा। कमर को सीधा किया, चेस्ट को बाहर निकाला, दोनों हाथ ऊपर किए और इस हाथ को ऐसे बिल्कुल प्लेन पीछे देखा। अब आपका क्या फैटी लीवर, क्या पेट, क्या पाचन, क्या गैस्ट्रिक, जिन्होंने भी लिखा था अल्सर कोलाइटिस, बहुत दिन तक हमने बॉडी को इग्नोर किया है। अल्सर कोलाइटिस एक दिन में डेवलप नहीं होता, दिन महीने साल। तो अब ये पाचन तंत्र के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो तब भी हम रोज करते हैं ये। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स बैक स्ट्रेट। फिर उसके बाद आराम से बिल्कुल, हो सकता है आपका यहाँ पैर रखा जाए, जहाँ भी पैर रखा जाता है, ये दोनों हाथ ऊपर उठाए और धीरे से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। फिर चलते चलते एक चीज और बता दें कि इसमें आराम से रिलैक्स करने के लिए जिनके पैर, ये पैर रखे वन, फिर से टू, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सिंपल सिंपल एक्सरसाइज जिसमें हमारा फुट पेन, एड़ी का पेन, ये सब ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है, मैं इधर आ जाऊँ, कुछ लिख रहे हो तो आप मुझे पता नहीं चलेगा, मैं कैमरे के पीछे आ गई। अब मैं, किसी ने कुछ मैसेज देना है नेक्स्ट टॉपिक पे, कल किस पे लिया जाए, नी पेन वाले कैसे करेंगे, ये नी पेन वालों के लिए नहीं है अभी, नी पेन वालों के लिए कल लेंगे। शानू जी, कल हम फिर से 11:20 पे आपके मिलते हैं। और माइग्रेन के लिए किसी ने पूछा है, उसके लिए भगवद गीता की वॉल्यूम्स हमारे लिए निकली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। वैसे हमारा दूसरा चैनल अंतस योग एंड मेडिटेशन बाय इंदू जैन, एक बार या फेसबुक पेज पर जाकर उन ऑडियोज को सुन सकते हैं। लेट जाइए। नाभि के निचले हिस्से में फैट क्यों आता है, ये हमारा ही परिणाम है, हमने चाहा है फैट आ जा, तू आ जा, मैं खाली बैठी हूं। बात सुनने में अजीब सी लगेगी लेकिन नाभि के नीचे है चाहे ऊपर है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज वैसी नहीं है या जरूरत से ज्यादा खाया जा रहा है। ठीक है, हिप मसल्स में पेन है, कल बताते हैं हिप मसल्स के लिए भी। बैक पेन ठीक हो गया, थैंक यू जी, अरे वाह परमिंदर जी कौर जी, थैंक यू जी, थैंक यू शालू। परमिंदर जी कौर जी कह रही है मेरा बैक पेन ठीक हो गया है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, सपोर्ट करने के लिए। हाँ, कल कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बताएंगे, बिल्कुल बैक पेन ठीक हो गया, अरे वाह, इससे हमारी खुशकिस्मती कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, एक नाभि के खिसक जाती है उसके लिए बता देंगे, कल नाभि खिसकने के लिए आप प्रॉब्लम लिखते रहिए, लेकिन कल जब आएंगे कल बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लूज ब्रेस्ट के लिए हमने कल फेसबुक पे सारा अपर बॉडी फैट, उस पर जाकर देख सकते हैं। मैं मेरा बीच में बहुत ओके जी, ओके, कल आप फिर से मैसेज कीजिएगा, कल बताते हैं आपको। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, अंतस योग।